नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार इस वीडियो में जीन एलील एंड सूडो एलील के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। जीन फंक्शनल पोर्शन ऑफ डीएनए दैट डिटरमाइंस सर्टेन ट्रेट। कहने का मतलब क्या है? डीएनए का वैसा पोर्शन जीन है जो कि प्रोटीन बनाता है। जैसे जीन है तो जीन से मैसेंजर आरएनए बना और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बना और ये प्रोटीन सर्टेन ट्रेट और कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे प्लांट हाइट एक गुण है, इसके लिए दो जीन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी वाले जो जीन है कैपिटल टी टाइप प्रोटीन बनाएंगे और स्मॉल टी वाले जीन स्मॉल टी टाइप ऑफ प्रोटीन बनाएंगे, क्योंकि दो डिफरेंट जीन्स हैं। चलिए अब हम लोग एलील्स के बारे में हम लोग देखते हैं। एलील्स क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जैसे हमने यहां देखा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दो जीन है जो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है और दोनों जीन क्या कंट्रास्टिंग इन ट्रैक है, कंट्रास्टिंग इन कैरेक्टर है। कैपिटल टी के जो प्लांट हाइट के बड़े होने वाले प्रोटीन को बनाएंगे, स्मॉल टी जो क्या छोटे पौधों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ही अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है, कोई हम लोग एलील कहते हैं। जैसे इन जनरल जो एलील्स होते हैं डिफरेंट क्रोमोजोम्स पर लोकेटेड होते हैं। अगर आपके पास कोई डिप्लॉयड सेल्स हैं तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों डिफरेंट क्रोमोजोम्स पर लोकेटेड होंगे और दे काउज करेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काउज करेंगे तो दोनों जो एलील्स हुए जो क्या हो जाएंगे गैमिट फॉर्मेशन के समय सेपरेट आउट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? ए वेरिएशन, जो एलील पाए जा रहे हैं दो डिफरेंट तरह के कंट्रास्टिंग ट्रेट के, वो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन से? वो कैरेक्टर के लिए, वो ट्रेट के लिए, वेरिएशन के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग सूडो एलील के बारे में देखते हैं। जब अगर आपके पास दो जीन है जो सेम फंक्शन के लिए, सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेम क्रोमोजोम्स पर लोकेटेड, वेरी क्लोज एंड दे आर जेनेटिकली लिंक्ड, वैसी स्थिति में क्या बोलते हैं हम लोग? सूडो एलील। क्यों? क्योंकि इन जनरल जो जीन्स होते हैं, एलील्स होते हैं, जो कि दो डिफरेंट क्रोमोजोम्स पर लोकेटेड होते हैं, जबकि ऐसा जीन जो कि सेम क्रोमोजोम्स पर लोकेटेड हो उसको सूडो एलील बोलेंगे। और इस तरह के सूडो एलील इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काउज नहीं करेंगे क्योंकि एक ही क्रोमोजोम्स पर बिल्कुल टाइटली लिंक्ड है। लेकिन इनका जो वेरिएशन जो होता है वो रिकम्बिनेशन के चलते हो सकता है, जो वेरिएशन काउज होता है रिकम्बिनेशन के चलते हो सकता है। साथ ही साथ आप ये भी पाएंगे कि एक मेजर जो डिफरेंस हुआ कि एलील और सूडो एलील में, कि एलील्स में डिफरेंट क्रोमोजोम्स पर लोकेटेड होते हैं जीन जो सेम मतलब प्रॉपर्टी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और सूडो एलील में आपका जो है एक ही जीन एक ही क्रोमोजोम्स पर लोकेटेड होंगे जो काफी डिफरेंट बनाता है एलील और सूडो एलील से। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के आई के लिए बहुत सारे एलील्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जो सेम क्रोमोजोम्स पर लोकेटेड होते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई नया वीडियो की सूचना तुरंत प्राप्त हो। अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपका कमेंट नए वीडियो बनाने के लिए हमें इनकरेज करता है। थैंक यू।